मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदे तो सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पते बोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुद केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। भगवान महावीर की वाणी को बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है आध्यात्मिक शैली में, प्राकृत भाषा में। 415 इसमें कुल गाथाएं हैं। हम 19 नंबर की गाथा पढ़ रहे थे, आत्मा कब तक अज्ञानी कहलाती है। कब तक अज्ञानी कहलाती है, कब तक वो बहिरात्मा होती है, मिथ्या दृष्टि होती है, मूढ़ आत्मा होती है। जब तक यह जो जीव है पर में अपनी बुद्धि रखता है, कम्मो कम्मेनो कम्मम मिहिया अहमिदि अहकम च कम्मनो कम्मम जा एषा खलु बुद्धि अप्पटि बुद्धो हवदीताव। कम्मे नो कम्मी, कर्म में और नो कर्म में, जब तक यह अपनी बुद्धि रखता है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है। कहते हैं ऐसी बुद्धि वाला जा ऐसा खलु बुद्धि अपटिबुद्धो हवदि, वह तब तक अपटिबुद्ध अप्रतिबुद्ध कहलाता है, अज्ञानी कहलाता है। देखिए बहिरात्मा की दृष्टि बिल्कुल पर में होती है, उसकी दृष्टि स्व में नहीं होती है। वो नो कर्म को ही अपना स्वरूप मानता है। आँख नाक कान वाणी रूप रस गंध वर्ण, ये जो मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है, इनमें जड़त्वपना है, चेतनत्वपना नहीं है, ये मृणमय हैं, चिन्मय नहीं हैं। और इन मृणमय में अपनी होने की कल्पना करता है, ये मैं हूँ और ये मेरे हैं। इनमें एकत्व बुद्धि है इस जीव की। तो ऐसे बुद्धि वाले को बहिरात्मा कहते हैं, अप्रतिबुद्ध कहते हैं। मेरी वाणी सुनी है तुमने, मेरी बात सुनी है तुमने, ये जो बात है ये तेरी धारणा में है कि मेरी वाणी, वाणी तो जड़ है, वाणी तो जड़ है, तेरी वाणी कैसे हो सकती है, तेरा ज्ञान हो सकता है। और ज्ञान वाणी में नहीं जा सकता, वाणी पुद्गलों का परिणमन है और ज्ञान तेरा स्वयं का परिणमन है। ज्ञान ज्ञान में है, वाणी वाणी में है, शब्द शब्द में है और ज्ञान ज्ञान में है। शब्द तो अनंत परमाणुओं का पिंड है जो जड़ स्वरूप है, वो तेरा कैसे हो सकता है। और तेरा हो तो कोई उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हम बोलते हैं तो बोलते ही टेप रिकॉर्ड में शब्द रिकॉर्डित हो जाते हैं। पुद्गल पुद्गल को पकड़ता है, चेतना को नहीं पकड़ सकता है, चेतन को नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि चेतन का परिणमन चेतन में। कर्म नो कर्म, कर्म भाव कर्म और द्रव कर्म, जो राग कर्म है द्वेष कर्म है वो तेरा नहीं हो सकता है, वो भी तेरा नहीं है। और उसे तू अपना मानता है और तेरी मान्यता है
कि इससे मेरा भला होगा, वो भी तेरी मिथ्या मान्यता है। पुण्य से तेरा भला होगा, पाप से तेरा हानि होगी, यदि ऐसी भी तेरी मान्यता है कि ये पुण्य जो है मेरा है, पाप जो मेरा है, वो मान्यता भी तेरी अप्रतिबुद्ध है, क्योंकि भाव कर्म भी तेरे भाव कर्म नहीं है, वो भाव कर्म भी निमित्ताधीन है, पर से उत्पन्न होने वाले भाव वो तेरे भाव नहीं हो सकते हैं। सुन में आ रहा ना, लोकालोक के कारण मुझ में ज्ञान है कि मुझ में ज्ञान है कि तो लोकालोक झलक रहा है। ये संसार है तो इसलिए मुझे ज्ञान है क्या? यदि ऐसा है तो पर के निमित्त से मेरा ज्ञान अपना स्वयं का ज्ञान कहलाएगा, फिर मेरा ज्ञान भी पराधीन हो जाएगा। लेकिन पर के निमित्त से मेरा ज्ञान नहीं है, पर ये मेरे ज्ञान के विषय बनते हैं, ये मेरी ज्ञान की अपनी स्वच्छत्व शक्ति है, ये मेरे अपने आप की प्रकाशत्व शक्ति है जिससे मैं स्व पर प्रकाश करता हूँ, ये मेरा स्वयं का उपादान है, मेरा स्वयं का परिणमन है, मैं जानने वाला हूँ, चैतन्य हूँ, मैं राग करने वाला नहीं हूँ, द्वेष करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि राग और द्वेष भाव कर्म है, वो पर है। पर को भी अपना मानना। सुनो भैया, दया दान त्याग आदि के भाव परिणाम एक हद तक ठीक है, पर पूर्णतः ठीक नहीं है। वो भाव भी मेरे लिए पर है, और इन्हीं भावों से मेरा कल्याण होगा ऐसे भी रखना, ऐसे भाव भी रखना, ये तेरी मान्यता सही नहीं है, क्योंकि वो भी राग का परिणाम। ये भाव भी पर है, इन भावों से भी परे होकर के स्वभाव में जाना है, निज भाव में रहना है, ऐसा जो मेरा परिणमन है वही मेरा यथार्थ है, वो प्रतिबुद्ध है। कम्मे नो कम्मा, कभी हम अपने राग द्वेष को अपना मानते हैं, कभी हम कर्मों को अपना मानते हैं। लोग बोलते भी हैं कि मेरे कर्म, ये भैया मेरे ही कर्म हैं, भाई दुखी क्यों हो रहे हो? अरे हमारे अपने ही तो कर्म हैं इसलिए दुखी हो रहे हैं, तुम्हारे कर्म कैसे हो सकते हैं, आपके कर्म कैसे हो सकते हैं? आपका तो परिणमन हो सकता है, आपने अच्छे बुरे में परिणमन किया, वो परिणमन आपका हो सकता है, और शुद्ध ज्ञायक में जाके देखेंगे तो वो परिणमन भी तुम्हारा परिणमन नहीं है, वो परिणमन भी तुम्हारा परिणमन नहीं है। पानी यदि गंदे रूप से परिणमन कर रहा है तो वो पानी का स्वयं का परिणमन ऐसा नहीं है, पानी का परिणमन तो पानी रूप है, जल का परिणमन तो जल रूप है, पराधीन होने के कारण, पर निमित्त के कारण वो गंदा हो रहा है। तो गंदी चीज तुम्हारी अवस्था नहीं कहला सकती है, गंदी पर्याय तुम्हारी पर्याय नहीं कहला सकती है, शुद्ध ही तुम्हारी पर्याय है, ज्ञाता दृष्टा ही तुम्हारा शुद्ध अवस्था है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो द्रव कर्म ये मेरे कर्म नहीं है और न कभी हो सकते हैं, न मुझ में प्रवेश कर सकते हैं। एक क्षेत्र अवगाह में रहते हुए भी कभी ये मुझ में प्रवेश नहीं किया और ना ही मैं इसमें कभी प्रवेश कर पाया, ये वस्तु की स्वतंत्रता है। लेकिन जो अप्रतिबुद्ध है, जो अज्ञानी है, इसे अपना मानता है। मैं ज्ञानावरणी कर्म के उदय से अज्ञानी हूं ऐसा नहीं, मैं स्वयं की अपनी अज्ञानता के कारण अज्ञानी हूं। दर्शनावरणी कर्म के उदय से मुझे आत्मदर्शन नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, मैंने स्वयं में अपने आत्मदर्शन में बाधा डाल रखी है ऐसा मानना। मोहनी कर्म के उदय के कारण मैं दुखी हूं ऐसा नहीं, मैं स्वयं मोहित हो रहा हूं ऐसा मानना।
फिर तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में, ऐसे कर्म के उदय से ऐसा, ऐसे कर्म के उदय से ऐसा। हाँ, आगम में ऐसा भी है, निमित्त उपदेश भी है, उपादान उपदेश भी है। पर निमित्त उपदेश का मतलब ये नहीं कि उपादान को संचालित करने के लिए है। निमित्त उपदेश का ये मतलब है कि भैया तुम्हारे उपादान के समय निमित्त की वहाँ पर मौजूदगी रहती है, इसलिए निमित्त का वर्णन होता है। लेकिन निमित्त तुम पर जबरदस्ती तुम्हारा प्रणमन कराता है, ये सही नहीं है। यदि ये सही हो जाए तो इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि फिर हम कभी अपना शुद्ध प्रणमन नहीं कर पाएंगे। फिर ईश्वरवादी और कर्मवादी, इन दोनों में अंतर नहीं रह जाएगा। ईश्वरवादी कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर के कारण ही जगत का प्रणमन होता है, और कर्मवादी कहते हैं कर्म के निमित्त से प्रणमन होता है। तो कर्म नचारा है और ईश्वर नचारा है, इन दोनों में अंतर क्या कहलाएगा? हम कर्मवादी हो जाएंगे और सारी दुनिया तो ईश्वरवादी है ही है। नहीं, हम ईश्वरवादी नहीं हैं, ईश्वर हमारा कर्ता है ऐसा हम स्वीकार नहीं करते। ईश्वर को स्वीकार तो करते हैं, शुद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन वो हमारी सत्ता पर अधिकार करता है ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही कर्म पर हमें विश्वास है और कर्म की सत्ता को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कर्म हम पर हावी रहते हैं इस बात को स्वीकार नहीं करते। कर्म ही हमारा प्रणमन कराएगा इस बात को स्वीकार नहीं करते। कर्म अपना फल देगा और उसका काम है फल देना। बादल का काम है बरसना, वो बरसेगा यहाँ नहीं तो कहीं और बरसेगा। बरसना उसका काम है और उसमें दुखी होना सुखी होना तुम्हारा काम है। सुखी दुखी होना तुम्हारा काम है। बरसात हो रही है, कोई उसको देख करके नाच रहा है और कोई उसको देख करके दुखी हो रहा है। ऐसे ही कर्म के कारण मेरा प्रणमन नहीं है, कर्म के उदय में मेरा ज्ञान का प्रणमन है, वो मेरा है। उस ज्ञान के प्रणमन में मैं दुखी हूँ सुखी हूँ, वो मेरा प्रणमन मेरा है। लेकिन सुखी दुखी भी भाव कर्म है, वो भाव कर्म भी मेरे भाव कर्म नहीं है, मेरे भाव नहीं है, मेरे स्वभाव नहीं है। इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। जो अनादि काल से कम्मे नोकम्मी कर्म और नोकर्म में अहम यदि अहकम च, यह मैं हूँ यह मेरा है, ऐसा जो मानता आया है, जा ऐसा खलु बुद्धि, जिसकी ऐसी बुद्धि रही वो कैसा रहा? दुखी रहा। नोकर्म ये शरीर, अब इस शरीर को अपना मानो और इसके बिगड़ने में दुखी हो जाओ और इसके सुधरने में सुखी हो जाओ, तेरी ऐसी मान्यता है तो अप्रतिबुद्ध है। पेट में दर्द हुआ तो दुखी हुए और पेट का दर्द दूर हो गया तो सुखी हुए, तो इसके कारण मैं सुखी दुखी हूँ ऐसी तेरी मान्यता है अप्रतिबुद्धता है, ये अज्ञानता है, अज्ञानपना है। भाई सुखी दुखी तू अपने ही प्रणमन के कारण हो रहा है, ऐसी तेरी मान्यता होना चाहिए। दर्पण में पहाड़ बर्फ का पिघलता हुआ दिखाई दे रहा है तो दर्पण नहीं पिघल रहा है, और ना ही कोई दर्पण के अंदर कोई पहाड़ गया है, ना बर्फ गया है, ना पिघलता हुआ वो दर्पण है। वो बर्फ का अपने आप ही पिघलना
वो उसका परिणमन है, वो तेरा नहीं है। दर्पण में बर्फ पिघल रहा है ऐसा कथन मात्र है, लेकिन दर्पण में बर्फ नहीं पिघल रहा है। मेरे ज्ञान में संसार झलक रहा है, लेकिन संसार मेरा ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार से दर्पण में झलकी हुई वस्तु वो दर्पण की नहीं होती है, ऐसे ही आत्मा के साथ रहने वाली चीज आत्मा की नहीं होती है। ये नौकर्म अनादि काल से आत्मा के साथ है तो आत्मा का नहीं हो गया। और कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कर्म नौकर्म तेरे ज्ञान में भी झलके तो वो तेरे नहीं हो सकते हैं। साथ रहे बात तो अलग की बात है, तेरे वो ज्ञान का विषय बने वो भी तेरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञाकार रूप से जो मेरा ज्ञान प्रणमन कर रहा है वो ज्ञान ही मेरा है, पर ज्ञे मेरे ज्ञे नहीं है। पर ज्ञे पर के ही है, स्वा के नहीं है, लेकिन मैं उसे अपना मानूं ये मेरी मान्यता मिथ्या मान्यता है। संसार में प्राणी अज्ञानी बना हुआ है, और पता है आपको दुख अज्ञानता का है। जिस दिन ज्ञान होता है व्यक्ति सुखी हो जाता है, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक दुखी रहता है। कहता है ये अपने हैं, तो ऐसी अज्ञानता में वो सुखी नहीं रहता। और जब यथार्थ पर चलता है कि ये तो अपने कोई है ही नहीं, तो क्या हो जाता है, वो यथार्थ ज्ञान से सुखी हो जाता है। वैराग्य व्यक्ति को सुख देता है। शमशान घाट में जाते हो तो एक क्षण के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है और उस समय व्यक्ति सुखी होता है। देख लिया हमने, व्यक्ति आया, जीवन जिया, हाय तौबा किया, क्या जोड़ा, और जोड़ करके छोड़ के चला गया। एक क्षण को वहाँ वैराग्य तो अपने को भी होता है कि भाई इसी प्रकार हमें भी चले जाना है। आंखों के सामने से व्यक्ति ओझल हो गया, ना उसका कोई शरीर दिख रहा है, ना उसके आंख नाक कान दिख रहे हैं, शरीर का कोई भी अंग नहीं दिख रहा, मात्र सामने काया नहीं, अब उसकी भस्म पड़ी हुई है। इस शरीर की औकात ही इतनी है, भस्म से ज्यादा नहीं है, और हम उसे इतना कद्र देते हैं कि जैसे हमसे इससे बढ़कर दुनिया में कोई और चीज ना हो। अहमकम अहम इदि, यह मैं हूं यह मेरा का जो भाव है यह अज्ञानता का भाव है। और गजब की बात यह है कि जब हम पर से जुड़ते हैं तो पर संबंधी जितने भी परेशानियां हैं वो हमारी यहां हो जाती हैं। उस संबंधी जितने भी दुख हैं वो हमारे हो जाते हैं और हम दुखी रहते हैं, ये निश्चित है। आप पर से जुड़ के देखिए, किसी भी पर पदार्थ से आप जुड़ जाइए और उस संबंधी विकल्प हमको होना प्रारंभ हो जाएगा। यद्यपि पर हमें दुखी नहीं दे रहा है जुड़ने से, लेकिन पर संबंधी जो विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वो हमें दुख दे रहे हैं, वो हमें कष्ट देते हैं, हमें पीड़ा देते हैं। हम संसार में अकेले आते हैं और अकेले आकर के यहाँ पर झमेला पाल लेते हैं, मकड़ी का जाल बुन लेते हैं और हम उसमें फिर फंसे रहते हैं, निकल नहीं पाते हैं। पर में रहने का मतलब ही जाल में फंसना है। जाल में मकड़ी फंसती है और स्वयं मर जाती है, बनाती भी है और मरती भी है। ऐसे ही हम भी अपना जाल बुनते हैं पर के पर में फंस करके,
और फिर जाल से नहीं निकल पाते हैं। वैराग्य जो है सुख देता है, यथार्थ ज्ञान ही वैराग्य देता है, और वैराग्य ही व्यक्ति के जीवन में चारित्र पैदा करता है, संयम साधना पैदा करता है, क्षमता पैदा करता है, समाधि पैदा करता है, सिद्धत्व को प्रकट करता है। सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ये प्रतिबद्धता है। कितने भी बड़े तुम त्यागी व्रती बन जाओ, कितने भी बड़े तुम तपस्वी बन जाओ, लेकिन कम्मी नो कम्मी, कर्म और नो कर्म, यह मैं हूँ यह मेरा है ऐसा भाव यदि है, तो वह अप्रतिबुद्धता प्रकट करेगा, बहिरात्मापन प्रकट करेगा। देह जीव को एक गे ने बहिरात्मता त्वमुधा है, देह जीव को एक गिने, मुझ में दर्द हो रहा है, मुझ में पीड़ा हो रही है, मुझ में हरारत हो रही है, मुझ में ये हो रहा है, मुझ में वो हो रहा है, आप थोड़ा हिसाब तो लगाओ किस में हो रहा है। कोरोना काल में एक बड़े विद्वान को कोरोना हो गया, वो रो रहा था, मैंने क्या बात है क्यों रो रहे हो, बोले मुझे कोरोना हो गया मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा पंडित जी ये तो बताओ कोरोना किसको, मरेगा कौन? तो कोरोना किसको, कोरोना किसको हुआ है और किसको रोना है? का रोना किसका रोना और किसको करोना? तो पंडित जी को बात समझ में आई कि करोना तो शरीर को हुआ है, शरीर को हुआ है, तो फिर किसके लिए रोना? जिसको हुआ है उसके लिए रोना कि जिसके लिए नहीं हुआ है उसके लिए रोना कि मुझे क्यों नहीं हुआ? ध्यान रखो, मुझे नहीं हुआ। कैंसर किसको होता है? कैंसर किसको होता है? आत्मा को होता है कि शरीर को होता है? जन्म किस में पड़ते हैं? शरीर में पड़ते हैं ना। कीटाणु किस में पड़ते हैं? शरीर में पड़ते हैं। तो कैंसर किसको हुआ है? शरीर को हुआ है। तो शरीर के लिए रोना ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। मुझ में रोग नहीं होता है, मुझ में बीमारी नहीं होती है, क्योंकि जिसमें होती है वो मैं नहीं हूं। इस बात को मानना, इस बात को मानना प्रतिबुद्धता है, ज्ञानता है, सम्यक दृष्टिपना है, सच्चा सिद्धांतपना है। लेकिन ये मुझ में हुआ है ऐसी जो तेरी मान्यता है, वो देह को तो अपना मानता है। हमने कभी अपने को नौकर्म में देखा और कभी नौकर्म को अपने में देखा, कभी शरीर में अपने को ढूंढा और कभी अपने में शरीर को ढूंढा, कभी शरीर के लक्षणों को अपना लक्षण मान लिया और कभी अपने लक्षणों को शरीर का लक्षण मान लिया। ऐसी हमारी मिश्र अवस्था रही, ऐसी हमारी भ्रांति रही, ऐसा हमारा भ्रम रहा, और ये भ्रम जो है व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि बनाता है। भ्रम रोग हर जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। भगवान की वाणी, गुरु की वाणी जो होती है वो भ्रम के रोग को हरने वाली होती है। जो तुम भ्रमित हो उस भ्रम को हरने वाली होती है। भ्रम का रोग ही सबसे बड़ा रोग है, इस रोग का निवारण तो करो। जितने भी शरीर में रोग होंगे उन सबके तुम्हें डॉक्टर मिल जाएंगे, वैद्य मिल जाएंगे, पर भ्रम के रोग को दूर करने के लिए वैद्य नहीं मिलेंगे,
क्योंकि रोगी भी तुम ही हो और उस रोग का समन करने वाले डॉक्टर भी तुम ही हो। यहाँ मुजरिम भी तुम ही हो और जजमेंट देने वाले जज भी तुम ही हो। तुमको ही रोग से मुक्त होना है, किसी और को रोग तुम्हें मुक्त नहीं करना। भ्रम रोग, जब हम यथार्थ जानेंगे, मिथ्या पर्दा जब हटेगा और अंदर का यथार्थ सत्य प्रकट होगा तो वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा। अभी तो एक पर्दे नहीं, कितने पर्दे लगे हैं हमारे लिए। अंदर क्या है पता ही नहीं है, भ्रम में ही जी रहे। जिसने जैसा बता दिया वैसा स्वीकार कर लिया, करते जा रहे। भ्रम के पर्दे लगे हुए हैं, न युक्ति से, न प्रमाण से, न नए से, किसी भी प्रकार से, न हमने उसको समझा। तर्क, अनुमान, इन सभी से हमें वस्तु का यथार्थ निर्णय करके ही आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा भ्रम है, ये भ्रम है। हम शरीर हैं, ये भ्रम है। ये आँख हैं, भ्रम है। ये हमारे कान हैं, ये आँख, नाक, कान, जो शरीर, हाथ, पैर, ये सब जो है ये पुद्गल की पर्याय हैं, ये जड़ की अवस्थाएं हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से जड़ की अवस्थाएं हैं। पुद्गल का कर जो है नाच है, पुद्गल का खेल है। ये अपना नहीं है, अपना परमाणु भी नहीं है। पर परमाणु में अपनी कल्पना करना और अपने में परमाणु की कल्पना करना, पुद्गल में अपनी कल्पना करना, पुद्गल में परमाणु, पुद्गल में अपनी और अपनी में पुद्गल की कल्पना करना, ये भ्रम बुद्धि है। जैसे ही भ्रम बुद्धि निकलती है हम प्रतिबुद्ध हो जाते हैं। प्रतिबुद्ध होना है, अप्रतिबुद्ध नहीं होना है। जा ऐसा खलु बुद्धि अब परिबुद्धो हवदितावा। जब तक तुम्हारी ऐसी बुद्धि है, कैसी बुद्धि है, कम्मे नोकम्मी अहम इदि अहकम च, यह मैं हूँ और यह मेरा है, कर्म और नोकर्म में एकत्व और ममत्व बुद्धि है, तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है, बहिरात्मा है, दुखी है, अनंत संसार है। हमें इस संसार से बाहर निकलना है, प्रतिबुद्ध होना है। ये समय सार का उद्देश्य। आज इतना ही समय हुआ। जा वाणी के ज्ञान से सूजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरु सदा दे तो हो धो। हे जन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।